जो भी महिलाओं की शिकायत जो है नहीं देखी जाती थी, उस महिलाओं की शिकायत अब जो है बेगूसराय में हो जाएगी, जहां पर आधे घंटे के अंदर जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और आप महिलाएं जो चाहे रात दिन कभी हो, कोई भी अत्याचार उनके साथ हो, चाहे उनका मोबाइल छीन लिया हो, या फिर कोई भी समस्या हो, या फिर उनके साथ कोई प्रताड़ना हो, तब दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आपको अगर आ जाना है बेगूसराय नगर थाना में, जहां पर महिलाओं के लिए जो है हेल्प डेस्क बना है, और अब जो है शिकायत जो है आधे घंटे के अंदर यहां कहा जा रहा है कि एफआईआर कॉपी दी जाएगी। और जहां पर महिलाएं जो इधर उधर भटकती थी, टाउन थाना आकर यहां पर देख सकते हैं हेल्प डेस्क बन चुका है। यहां महिला हेल्प डेस्क लिखा हुआ दिखाइए, यहां पर महिला हेल्प कंट्रोल रूम है। और आप यहां अगर आएंगी तो यहां पर देख सकते हैं किस तरह से आपको यहां पर महिला पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद मिलेगी। आप अपने जितने भी दिक्कत हैं यहाँ पर बताएंगे, और उसके बाद आधे घंटे में जो है एफआईआर कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी, ऐसा इनका दावा है। और यहाँ पर एक और देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक हेल्प डेस्क जो है खुला गया है, और कहना इनका है किसी प्रकार का जो आवेदन है यहाँ पर जमा करा सकते हैं। मोबाइल चोरी गुम की शिकायत जो है यहाँ पर दिखाइए, हेल्प डेस्क जो है रात के 12 बजे भी अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और महिलाएं जो परेशान इधर उधर रहती हैं उनको यहाँ पर ये सब चीज़ जो है मौजूद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी शिकायत है वो सीसीटीवी के निगरानी में जो है आपको वहाँ पर जो है मौजूद रहेगी, और आपका दर्ज होगा। यहाँ किसी भी शिकायत की उपस्थिति सीसीटीवी में रहेगी दर्ज इसी से, और जिस कारण से पारदर्शिता है वो बनी रहेगी। अब मैडम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि रात में कभी भी आएगी कोई भी महिला तो महिला मौजूद रहती है कोई, मतलब 24 घंटा उसकी समस्या सुनने के लिए। दो तीन महिलाएं यहाँ सिपाही रहेंगी ना? जी, रहती है मौजूद। कोई भी मामला हो, कहीं भी कोई भी थाना को यहाँ आ सकता है, मतलब बेगूसराय का? जी नहीं, हर थाना में हालांकि है, लेकिन यहाँ भी आ सकता है तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहाँ मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे, यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड बेगूसराय। सर, किस तरह का यहाँ पे जो हेल्प डेस्क बनाया गया, क्या उद्देश्य है इसका बनाने का? आम जनता की सहूलियत के लिए आज नगर थाना में एक हेल्प डेस्क काउंटर की शुरुआत की गई है। यहाँ पे एक महिला पुलिस पदाधिकारी और एक पुलिस अधिकारी 24 घंटा यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिसकी निगरानी मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमरा से की जाएगी। देखिए, एक शिकायत आम पब्लिक से बार बार हम लोग के पास आती थी कि पुलिस स्टेशन पर जाते हैं किसी छोटे से भी काम के लिए तो वहाँ किससे मिलना है, कहाँ मिलना है कुछ समझ में नहीं आता है, अप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करें ये भी नहीं पता चलता है, और छोटे से काम में बहुत वक्त उनका वहाँ पे जाया हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आज इस हेल्प डेस्क की यहाँ शुरुआत की गई है, और यहाँ पे एफआईआर करने के लिए कोई भी आवेदन दे सकता है। एफआईआर की कॉपी आधे घंटे में यहाँ पे अब दी जा रही है। मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत यहाँ पे तुरंत दर्ज कराई जा सकती है। कांड के अनुसंधान में क्या प्रगति है उसकी भी जानकारी इस हेल्प डेस्क के द्वारा दी जाएगी, और किसी चीज़ की नकल निकालनी है वो भी यहाँ पे आम पब्लिक को दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी कोई भी समस्या अगर है तो महिला हेल्प डेस्क की एक अधिकारी 24 घंटा यहाँ मौजूद रहेगी, तो महिलाएं भी बड़े आराम से यहाँ पे आके अपनी समस्या दर्ज करा सकती हैं। और चूंकि ये पूरा सिस्टम सीसीटीवी जो हम लोग का यहाँ पर लगा है उसकी निगरानी में रहेगा, और कंट्रोल रूम से मेरे द्वारा स्वयं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो इससे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पर फिक्स करने में इससे मदद मिलेगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, और हमारा ये उद्देश्य है कि पुलिस स्टेशन पे कोई भी आम पब्लिक आती है तो उसका काम 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए, और उसको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। मैं आप लोग के थ्रू ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति से या दलालों से बिल्कुल भी संपर्क ना करें। पुलिस स्टेशन पे कोई भी काम हो सीधा हेल्प डेस्क पे आएं, आपका काम यहां से 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। यहां पर आज SP योगेंद्र कुमार जी के तरफ से यहां पर आज इसका उद्घाटन और शुभारम्भ हो गया है, जहाँ पर अब बेगूसराय की कितनी भी कोई भी महिलाएँ हैं जो असहाय है, गरीब है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके साथ समस्या है, या फिर कोई भी उनके साथ घटना है, तो बेहिचक 24 घंटा यहां पर आइएगा। और यहां देख सकते हैं किस तरह से फैसिलिटी दिया गया है, और 24 घंटे जो है यहां दावा किया गया है, और कहा गया है कि सीसीटीवी के निगरानी में आपकी समस्याओं का जो है यहां पर निदान होगा, और यहां किस तरह से वो लोग काम करेंगे।